दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्लाउड स्टोरेजेस के बारे में बात करेंगे। और अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आपने गूगल ड्राइव किसी ना किसी तरीके से यूज किया ही होगा या कर ही रहे होगे। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, ईडीयू मेल है, तो आपके तो वारे नहीं आ रहे हैं, मतलब चारों उंगलियां घी में आपको फ्री अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज मिला हुआ है गूगल से। तो मतलब इसके लिए तो यार क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि गूगल ड्राइव से अगर निकल के किसी और कहीं पे जाना हो तो जाएं कहाँ। इस वीडियो में हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करेंगे जो क्लाउड स्टोरेज के हो सकते हैं, सारे फायदे सारे नुकसान, कौन सा बेस्ट रहेगा किसके लिए, सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कौन सा हो तो उसके लिए आपको वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी पड़ेगी, कंपैरिजन देखना पड़ेगा कि कौन सा क्या फायदे दे रहा है क्या नुकसान दे रहा है, तभी आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन निकाल पाओगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्कैश टेक हिंदी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वोकल फॉर लोकल हो लिया जाए, मतलब देसी आइटम के बारे में बात करेंगे, जो कि है डिजीबॉक्स। और डिजीबॉक्स एक इंडियन प्लेटफॉर्म है जो मतलब आपका जितना भी डेटा स्टोर होगा वो सारा इंडिया के अंदर ही रहेगा, डेवलप भी इंडिया में ही हुआ है। अब इसके फीचर्स और फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेता हूं। पहली चीज, 20 GB एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टोरेज दी जा रही है। अगर आपका थोड़ा बहुत डेटा है तो वो बिल्कुल 20 GB के अंदर समा जाएगा। और इसके बाद अगर ज्यादा डेटा की आपको नीड पड़ती है क्लाउड बैकअप की, तो सिर्फ 30 रुपीज पर महीने से आप इसमें 100 GB पे स्विच कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया चीज है कि अपने इंडियन बजट फ्रेंडली हो गया ये, 30-40-50 रुपए वाली जो रेंज है स्टार्टिंग वाली बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तो इसके बाद दोस्तों दूसरा फायदा ये है कि SSL सिक्योर्ड है, मतलब सिक्योरिटी काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद Gmail की इंटीग्रेशन हो रखी है कुछ। और इसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि 25 TB तक आप इसमें जा सकते हो। काफ़ी सारी क्लाउड स्टोरेज जो सर्विसेज होती हैं वो ऐसी होती हैं कि इनफैक्ट आप गूगल को ही ले लो तो मतलब जो सिर्फ कंज्यूमर पेज है उस पर सिर्फ 2 TB तक का ही ये लोग देते हैं। तो काफ़ी सारी स्टोरेज ऐसी होती हैं 8 GB 16 GB, तो यहाँ पे ये कैप लगा देती हैं। लेकिन 25 TB तक का आप एक पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लेकिन इसके नुकसान भी उतने ही हैं। नुकसानों के बारे में बात करें तो पहला नुकसान ये है कि अभी के लिए मल्टीपल लॉगिन्स इसके अंदर नहीं दे रखे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो UI है यूज़र फ्रेंडली नहीं है, मतलब बड़े बड़े बॉक्सेस और थोड़ा सा अजीब लग सकता है। लॉगिन के टाइम पे एक डिजी स्पेस ऐड हो जाती है, मतलब ईमेल आईडी पासवर्ड के अलावा एक वो नाम आपको अलग से याद रखना पड़ेगा कौन सा आपने डिजी स्पेस चूज किया है अपने डेटा को लॉगिन करने के लिए। तो एक स्टेप यहां पे ये चीज ज्यादा हो जाती है कि इसके अंदर अभी वेब और फोन वाला ऑप्शन ही है। इसका मतलब विंडोज पे जिस तरीके से हम पूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, चाहे ड्रॉपबॉक्स हो या गूगल ड्राइव हो, इस तरीके से जो हमारा इनबिल्ट हो जाता है वहीं पे हम सारा सिंकिंग प्रोसेस चला लेते हैं अपने सिस्टम से, वो चीज अभी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। डेवलपमेंट फेज में बहुत नई कंपनी है, चलते चलते हो सकता है 1-2 साल इसको लग जाए पूरा ढंग से रिवैम्प करने में। अगली चीज है दोस्तों, इसकी जो मैक्सिमम फाइल साइज लिमिट है वो सिर्फ 2 GB है स्टार्टिंग वाले प्लान्स में। ये बढ़ के 10 GB 20 GB हो जाती है जैसे जैसे आप हायर टियर वाले प्लान्स के अंदर जाते हो। तो अगर सिर्फ आपका बजट ऑप्शन है कि मतलब 100-200 GB के अंदर चाहिए, और एक और बहुत ईजी वे में आप इसको रिचार्ज या पेमेंट कर सकते हो हर महीने का 30 रुपये 100 रुपये 150 रुपये इस तरीके से, तो आप डिजीबॉक्स यूज कर सकते हो। कंसिडरिंग कि इसका UI है वो थोड़ा सा अटपटा सा है, मतलब इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। अगले ऑप्शन के बारे में बात करें दोस्तों, ये तो वो आ जाता है, वो है मेगा। इसका भी नाम आप लोगों ने ऑलमोस्ट सबने सुना ही होगा। इसके फायदे की बात करूँ सीधा सीधा तो सबसे पहली चीज़ है कि इसके अंदर फाइल वर्जनिंग मिल जाती है। इसका मतलब आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव करा इसमें मेगा में सिंक किया और उसके बाद नेक्स्ट डे उसके अंदर कुछ एडिटिंग करी, तो क्या होगा कि मेगा जो है सेम फाइल के 2 वर्जन अपने पास स्टोर करेगा। अगर आपको इनकेस पुराने वर्जन पर दोबारा जाना हो तो 30 डेज तक आप पुराने जितने भी वर्जन जिस तरीके से आप उसमें एडिटिंग करते जाओगे तो पुराने 30 डेज के जितने भी वर्जन होंगे सारे आपको निकाल के दे देगा। अगर आप एक मल्टीपल लोगों के साथ काम कर रहे हो और एक ही फाइल को सब लोग एक्सेस कर रहे हैं या रिक्वायर्ड चेंजेस कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ सीन है, तो ये चीज काफी सही है इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों ड्रॉपबॉक्स जैसे सेम एग्जैक्टली वही 20 GB बिल्कुल फ्री मिलता है, लेकिन इसमें रेफर सिस्टम है। जैसे जैसे आप लोगों को रेफर करते जाओगे, नए अकाउंट्स बनवाते जाओगे, या फिर इनके अपने टास्क भी रहते हैं कि आप इसमें डाउनलोड कर लो तो 5-10 GB और मिल जाएगी इस तरीके से, तो इसको आप रेफर करके और
इनके टास्क पूरे करके इस डेटा की लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो अप टू 50-75 GB तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद दोस्तों जो सबसे बड़ा फायदा है, जो 2 GB की लिमिट लगी हुई है ड्रॉपबॉक्स के अंदर, वो इसके अंदर हट जाती है। जो इसका पेड प्लान है उसकी बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग का पेड प्लान है ₹440 का और उसमें 400 GB की स्टोरेज मिलती है, मतलब क्लोज टू ₹1 GB पे आ गया। लेकिन अगर आप इसके फायदों की बात करो तो सबसे पहले UI इसका बहुत सिंपल है, 20 GB हमको एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इसके अलावा डेटा प्राइवेसी पे इनका बहुत फोकस रहता है। और नुकसानों के बारे में बात करें यहाँ पे, तो स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाकी सर्विसेज देती हैं, स्पीड आपको स्लो देखने को मिलेगी। प्लस अगर आप इनके सर्वर से कुछ डाउनलोड करोगे अपना डेटा, तो थोड़ा सा टाइम वहाँ पे ये बफर पीरियड लगता है, वहाँ प्रिपेयरिंग फाइल्स के नाम से इनका सिस्टम चलता है, थोड़ा सा टाइम लगता है डाउनलोड स्टार्ट होने में। अगली स्टोरेज के बारे में बात करें तो वो दोस्तों है पी क्लाउड। पी क्लाउड मतलब डेटा सिक्योरिटी में सबसे ऊपर है। कुछ 3-4 साल पहले इन्होंने कॉम्पिटिशन रखा था कि जो इनकी सिक्योरिटी के अंदर तोड़ के दिखा देगा उसको $1,00,000 का प्राइस देंगे, मतलब ₹70,00,000 इन्होंने ओपनली डिस्क्लोज करे कि हम देने को राजी हैं। चाहे आपको कैश चाहिए हो, चाहे बिटकॉइन चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, आप तोड़ के दिखाओ, हम आपको देने को तैयार हैं। तो ये इनका सिक्योरिटी कंसर्न सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रहता है। लेकिन इसके फायदों के बारे में बात करें तो सबसे पहला फायदा ये है कि मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग यहाँ पे सपोर्टेड है, मतलब कि अगर आप कोई वीडियो अपलोड करते हो तो वहीं पे ही आप इनके डायरेक्टली उनके पैनल पे प्ले कर सकते हो, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एज कंपेयर्ड बाकी के जो स्टोरेज सॉल्यूशन होते हैं वहां पे आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, डायरेक्टली वहीं पे प्ले नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो फ्री स्टोरेज है वो सिर्फ 10 GB ही रहती है, लेकिन अगर आप उसको अपग्रेड करते हो तो जो पैसे देने पड़ेंगे वो भी ना थोड़े ज्यादा ही है, मतलब बहुत इकोनॉमिकल वाला हम इसको नहीं कह सकते हैं। $50 पूरे साल का इनका प्राइस है 500 GB का। तो अगर आप लेना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार जरूर कंसिडर कर सकते हो, एफिलिएट वाला लिंक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँ सबसे अच्छी चीज जो है यहाँ पे वो है कि लाइफ टाइम ऑप्शन देते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि आप हर महीने पैसे दो, हर साल पैसे दो या ईयरली पेमेंट करो, मतलब जिंदगी भर की आप लाइफ टाइम आप सिंगल पेमेंट इनको कर सकते हो और आपकी डेडिकेटेड वहाँ पे एक स्टोरेज सेट हो जाएगी। आप एक तरीके से आप समझ लो कि आप एक हार्ड ड्राइव अपने पास कैरी कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ प्राइस से, उसके बाद सिर्फ इंटरनेट की कॉस्ट रह जाती है पूरी जिंदगी भर। तो ये चीज़ यहाँ पे है। लाइफ टाइम स्टोरेज भी 500 GB आपको कुछ 12-13 हज़ार रुपये में मिल जाती है, तो काफ़ी सही डील है, चाहो तो आप देख लेना। लेकिन इसका एक नुकसान भी यहाँ पे ये है कि जो इनका फोल्डर सिस्टम है, अगर छोटे फोल्डर होते हैं तो उसको वो जिप बना देता है, और अगर आप बड़े फोल्डर्स के अंदर फाइल्स हैं तो आपको सेपरेटली सारी सारी डाउनलोड करनी पड़ेंगी, पूरा फोल्डर एक साथ डाउनलोड नहीं होता है। तो एक ये कौन है, दूसरा कौन ये है कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो काफ़ी बेसिक सी है, इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है, उसके लिए आपको वेब वर्जन पे ही जाना पड़ेगा अगर कुछ आपको एडिशनल फंक्शंस यूज़ करने हैं। तो अगली स्टोरेज ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों वो है आइस ड्राइव। आइस ड्राइव एक और ऐसा ऑप्शन हो गया जो आपको एक लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के लिए, आप सब्सक्रिप्शन से याद आया चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं करा हो तो देख लेना। तो आइस ड्राइव एक और ऐसी कंपनी है जो आपको लाइफ टाइम के लिए एक सब्सक्रिप्शन दे देती है आपकी क्लाउड स्टोरेज के लिए। और यहाँ पे इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक चीज़ हमको यहाँ पे ये नोट करनी पड़ेगी कि कंसिडरेबली बहुत नई कंपनी है, मतलब 2019 में ही लॉन्च हुई है, तो इसलिए इसका कोई बहुत ज़्यादा पुराना इसका रिकॉर्ड नहीं है चेक करने के लिए कि क्या इसके डेटा ब्रीचेज हुए हैं या फिर क्या सीन रहा है, लोगों का ज़्यादातर एक्सपीरियंस कैसा रहा है ओवर द लॉन्ग टर्म, जो कि बाकी कंपनीज का हमको पता चल रहा है। ड्रॉपबॉक्स भी बहुत नई कंपनी है, पिछले साल ही लॉन्च हुई है, तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करनी ज़रूरी थी। अब यहाँ के फायदे क्या हैं कि यहाँ पे ट्रांसफ़र रेट आइस ड्राइव में बहुत तेज़ है, बढ़िया आपको ट्रांसफ़र रेट मिलेगा चाहे अपलोड चाहे डाउनलोड। इसके अलावा दोस्तों जीरो नॉलेज एनक्रिप्शन, ये लोग बोलते हैं कि आप जो भी डेटा यहाँ पे अपलोड कर रहे हो आपके सिवा आइस ड्राइव वाले भी नहीं देख सकते कि उसके अंदर आपने क्या अपलोड करा है क्या करा है, ये चीज़ उसके अंदर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैश का ऑप्शन मिलता है रिसाइकल बिन की तरह, कि आप ट्रैश में डाल दो 30 दिन तक वो वहीं पर रहेगा और आप चाहो तो उसको रिस्टोर कर सकते हो, नहीं तो हटा दो। इंटरफेस बहुत बढ़िया है, फ़ोन के लिए PC वाला और वेब वर्जन तीनों ही फर्स्ट क्लास चलते हैं। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो बहुत अफोर्डेबल कह सकते हैं हम यहाँ पे। पी क्लाउड थोड़ा सा अपर रेंज में निकल जाता है, लेकिन आइस ड्राइव थोड़ा सा उससे बजट सेगमेंट में है। लेकिन इसके यहाँ पे दो नुकसान भी हैं, एक तो 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं मिलता है। इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो मंथली जो प्राइस है वो सिर्फ $5 है, वो भी 1 TB का, तो क्लोज टू 300+ रुपये हो गए पर महीना अगर आप 1 TB के लिए दे सकते हो तो काफ़ी सही ऑप्शन है। और यही चीज़ अगर आप ईयरली प्राइसिंग में चले जाते हो तो $149, मतलब क्लोज टू 10-11 हज़ार रुपये के अंदर 1 TB की आपको क्लाउड स्टोरेज परमानेंट मिल जाएगी फॉर लाइफ। तो काफ़ी सही डील है, आप चाहो तो ले सकते हो। नीचे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनका पहले फ्री वर्जन जो कि 10 GB आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है उसको आप पहले ट्राई आउट कर लो, उसके बाद ही किसी पेड प्लान पर अपग्रेड करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे
OneDrive की जो कि Microsoft की तरफ से आता है और इसके फीचर्स लाजवाब हैं। सबसे पहला फायदा तो विंडोज के इनबिल्ट है, तो जितने भी आपके विंडोज के सिस्टम होंगे आप डायरेक्टली उसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। दूसरा फायदा ये है कि क्योंकि ये एक Microsoft का प्रोडक्ट है तो MS Office बंडल्ड आता है और ऑनलाइन वर्जन पे भी आप इसमें काम कर सकते हो। ऑनलाइन MS Office पे कोई भी फाइल्स पे आप काम कर रहे हो तो वो डायरेक्टली सिंक रहेंगी Microsoft आपके OneDrive से। तीसरा फायदा दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो इसका यूजर इंटरफेस है वो काफी सिंपल है, बहुत इजी टू गो है, चाहे आपका फोन हो चाहे सिस्टम हो दोनों पे ही रेडी टू गो है। इसके अलावा दोस्तों एक नुकसान यहाँ पे ये है कि फ्री स्टोरेज सिर्फ 5GB ही है, लेकिन अगर पेड प्लान्स के बारे में बात करें तो उसमें पूरी की पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। बेस प्लान जो है इनका वो ₹140 में 100GB देते हैं, लेकिन वो इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है क्योंकि उसके अंदर MS Office भी इंक्लूडेड नहीं है। अगर बेस्ट प्लान इनकी तरफ से बात करूं तो वो है 6199 का, ₹6200 पूरे साल के देने हैं, जिसके अंदर हमको 6 यूजर मिल जाते हैं, 6 अलग अलग लोगों के अकाउंट्स बन जाएंगे, जिसके अंदर हर अकाउंट में 1TB की स्टोरेज हमको मिलती है, साथ में ऑफिशियल MS Office के एप्स। तो ये है पूरे क्लाउड स्टोरेज के ऑप्शन। अगर आप मुझसे पूछो मेरी प्रेफरेंस क्या रहेगी तो मैं जाऊंगा OneDrive के साथ में, उसकी स्पीड भी फास्ट है, प्राइस भी अकॉर्डिंग टू द जितना वो दे रहे हैं वो काफी जस्टिफाइड है। लेकिन अगर मुझे एक ऐसे प्लान की तरफ जाना हो जो मुझे लाइफ टाइम के लिए सिस्टम चाहिए हो, मुझे झंझट नहीं चाहिए हर साल हर महीने के पैसे दूं, तो लाइफ टाइम ऑप्शन में आइस ड्राइव एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो यही कुछ था दोस्तों इस वीडियो में, आप नीचे कमेंट करके बताओ आप क्या यूज करते हो, आपको हार्ड ड्राइव सूट करती है, क्लाउड स्टोरेज यूज करती है, अगर क्लाउड स्टोरेज यूज करते हो तो कौन सी करते हो, कितना डेटा यूज करते हो, जो जो आपके मन में हो सारी चीजें डिटेल में नीचे कमेंट करके बताओ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या।